हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने वाले हैं एक नई तरह की मिठाई। तो ये सिर्फ दो चीज से बनकर तैयार होती है और खाने में काफी स्वादिष्ट लगती है और समय भी नहीं लगता है, कम टाइम में बनके तैयार भी हो जाती है। तो समय को वेस्ट नहीं करेंगे फ्रेंड्स और चलिए फटाफट से बनाते हैं बर्फी की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, बर्फी बनाने के लिए पहले हम बादाम को रोस्ट करेंगे। तो इसको हम फ्रेंड्स धीमी आँच में भुनेंगे क्योंकि तेज आँच में बादाम जल भी जाता है और अच्छी तरह से भुनाता भी नहीं है, और धीमी आँच में ये बहुत अच्छी तरह से भुनाती है और सौंधी सौंधी सी खुशबू देती है। तो बर्फी का मेन प्रोसेस तो बादाम को भुनना ही होता है फ्रेंड्स, इसलिए हम बादाम को धीमी आंच में भुनेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बादाम को भून लिए हैं। तो चलिए अब इसको ठंडा करके सारा छिलका उतार लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे छिलके उतार लिए हैं और चलिए अब इसका हम पाउडर बना लेते हैं। तो ज्यादा महीन पाउडर हम नहीं बनाएंगे फ्रेंड्स, थोड़ा हल्का मोटा रखेंगे। तो चलिए इसको मिक्सी जार में हम डाल के पीस लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पाउडर बना लिए हैं, ये हाथ में आपको उठा के दिखा रहे हैं। ये ज्यादा मोटा भी नहीं है और ज्यादा महीन भी नहीं है, तो इस तरह का आप बना लीजिएगा। तो अब चलिए फ्रेंड्स, तो बर्फी जमाने के लिए हम प्लेट में पहले ग्रीस भी कर लेते हैं ऑयल से, ताकि हम जब बर्फी बनाए तो हमें टाइम ना लगे ग्रीस करने में और फटाक से ये सेट कर ले। तो प्लेट में मैंने अच्छी तरह से ग्रीस कर ली है ऑयल डाल के फ्रेंड्स, ये देखिए। तो चलिए इसको साइड कर देते हैं और जाते हैं अपनी बर्फी बनाने की ओर। तो गैस पे मैंने कढ़ाई को चढ़ा दिए हैं फ्रेंड्स और कढ़ाई भी मेरा गर्म हो चुका है। तो चलिए अब इसमें हम डालने वाले हैं 1 चम्मच घी। तो घी डालना नहीं भूलिएगा, अगर घी नहीं है आपके पास तो 1 चम्मच आप रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसको डाल देते हैं और इसको गलने देंगे। तो ये देखिए मेरा अच्छी तरह से गल चुका है। तो अब इसमें हम डालने वाले हैं 250 ग्राम गुड़। तो 250 ग्राम बादाम में मैं 250 ग्राम गुड़ लूंगी फ्रेंड्स। और ये देखिए हम डाल देते हैं इसको, हमको इसका पाक नहीं बनाना है, बस इसको मेल्ट करना अच्छी तरह से, ताकि ये स्मूथ पेस्ट मेरा रेडी हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छी तरह से गल चुका है, एकदम कोई लम्स नहीं है इसमें। तो चलिए अब इसमें हम बादाम का पाउडर को डाल देते हैं। तो ये देखिए सारे डाल देंगे इस तरह हाथ से हम, अगर कुछ गठलियां इसमें रह गई है तो इसे हाथ से फोड़ के इस तरह से हम डालेंगे। तो चलिए सारे डाल देते हैं और अच्छी तरह से इसमें हम गुड़ को मिक्स कर देते हैं। आंच धीमी रखिएगा फ्रेंड्स, ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी तब हम गैस को बंद करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मिक्स हो चुका है। तो चलिए अब कर देते हैं गैस को बंद और इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। जिस प्लेट को हमने अच्छी तरह से ग्रीस किए थे फ्रेंड्स, उसी प्लेट में हम इसको सेट करने के लिए निकाल लेंगे। तो चलिए इस तरह से हम फैला लेते हैं इसको अच्छी तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छी तरह से फैल चुका है। तो अब इसको हम ज्यादा नहीं, बस 10 से 20 मिनट रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि सर्दी का मौसम है, हमको फ्रिज में रखने की कोई जरूरत नहीं है, ये इसी तरह नॉर्मल टेम्परेचर में ही सेट हो जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा 10 से 15 मिनट हो चुका है फ्रेंड्स। तो हम आपको अभी ये काट के दिखा देते हैं कि कितना अच्छे से सेट हुआ है फ्रेंड्स। तो ये देखिए हम काट के दिखा रहे हैं, थोड़ा टूट रहा है क्योंकि मैं इसे ज्यादा देर नहीं रखी हूँ फ्रेंड्स, आप कम से कम 20 या 25 मिनट जरूर रखें। तो चलिए हम इसको काट के दिखाते हैं आपको और इसको तोड़ के भी दिखाते हैं कि कितना अच्छा से टूट रहा है, एकदम अच्छी तरह से सेट हो चुका है। तो इसको खाने के बाद ये इतना अच्छा से मुंह में घुल जाती है फ्रेंड्स कि क्या बताएं। फ्रेंड्स, मेरी ये बादाम की बर्फी की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक नहीं करना भूलिएगा और अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि आप हमारी नई नई वीडियो देख पाए। तो मिलते रहेंगे फ्रेंड्स ऐसे ही नई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।